नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। दो खूबसूरत चेहरे फ्रेम में देख रहे हैं, और हाल ही में 2-3 दिन पहले एक सॉन्ग आया था सुहाइना जुदाई, उसके दोनों कास्ट हैं। लीड रोल में इधर राज भाई नज़र आ रहे थे और दूसरी तरफ जिया जी हैं। राज भाई को इनकी मोहब्बत की ज़रूरत थी और इनकी मोहब्बत पैसों की थी। तो चलिए, इस गाने के अंदर क्या क्या चीज़ें थी वो सब क्यों जानते हैं, और जानते हैं कि इस गाने के पीछे की जो कॉन्सेप्ट है वो राज भाई ने किस तरह और इनकी टीम ने कैसे तैयार की थी। सबसे पहले बहुत स्वागत है, कैसे हो आप? मनचाहा न्यूज़ में फिर से स्वागत है। एक बार इंटरव्यू हो चुका है और काफ़ी अच्छा लगा। और सवाल क्या था आपका? कैसे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं अच्छा हूँ। और थोड़ा चोट लगा हुआ पैर पे ये शूट के दौरान, तो मैं फ़िलहाल ठीक हूँ, अभी शूट नहीं कर पा रहा हूँ। हमारी टीम और सभी लोग की तरफ से गेट वेल सुन, जल्दी तैयार हो जाइए, आप ठीक हो जाइए और फिर आइए, धूम मचाइए। मैम बहुत स्वागत है, काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहे हो और अब से आपको बहुत लोग देखने वाले, कैसे हो आप? जी नमस्कार, मैं जिया सिंह राजपूत, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे? बस हम भी आपको देख देख के अभी खुश हो रहे हैं और अच्छे हैं। तो आज बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि झारखंड के ऐसे दो कलाकार हैं जिनकी गाने की अगर बात करें आती है, धूम मचाती है, लेकिन कुछ कुछ गाने ऐसे रहते हैं भैया कि वैसे पब्लिक का प्यार नहीं मिल पाता। तो राज भाई ने बहुत मेहनत करी है सुहाइना जुदाई में। तो राज भाई से सीधा जानते हैं कि पहले बताइए, इस गाने की कॉन्सेप्ट कैसे तैयार हुई थी, क्योंकि इसमें मोहब्बत भी दिख रहा है, साथ ही मार धाड़ भी दिख रहा है, फिर आप अपने प्यार के लिए तड़प भी दिख रहा है, इस सब की कॉन्सेप्ट तैयार कैसे हुई थी? बस दिमाग से, हमने यहाँ से दिमाग लड़ाया। मैं गाने को सुना पहले, उसके बाद मैं एक कहानी को लेके चला, कहानी को शूट किया, उसी में सस्पेंस डाल दिया और काफ़ी अच्छा लगा। आजकल इस तरह होते हैं, लड़कियां भी उसी तरह होती है और कुछ भी कर सकती है। बात ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है। जी जी, कितना टीम थी आपकी जो इस गाने के अंदर काम कर रही थी, और सबकी जो एक कह तो केमिस्ट्री आपके बीच में नज़र आ रही थी, तो उसको कैसे आपने बनाया था इस गाने में? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किए। हमारी टीम में देखिए, सबसे पहले जो सिंगर हैं मुकुल सिंह, जो राइटर हैं अखंड प्रताप सिंह, और ये जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं गुलाम रवि जी, उन्होंने गाने को तैयार किया, फिर मुझे दिया, मैंने सुना, मैंने सुन के अपने दिमाग में बैठाया, फिर दिमाग के साथ मैंने अपने टीम को बैठाया, सारे टीम बैठे, हम लोगों ने मीटिंग किया। मीटिंग के बाद ये जिया जी हैं तो प्रोफाइल भेजी, तो मैं बोला इसमें मैच करेगी, तो मैं इनको इन्फॉर्म किया। उसके बाद सारे हमारी टीम हैं, कैमरामैन हमारे रेबल प्रिंस हंटर हुए हैं, और जितने भी विक्की है, अक्की है, जो शिवा जो रोल किया गुंडा वो है, और भी अजय है, सारे लोग हैं हमारी टीम में, और काफ़ी सभी ने बढ़िया भूमिका निभाई, और सारे हमारे टीम के ही लड़के थे वो। हाँ, मेरा ये सवाल भी वो बन रहा था कि क्या जो आपके गाने के अंदर जो लोग दिखते हैं वो बाहर से रहते हैं या फिर आप ही के टीम के जो हैं वो गानों में सारे लोग नज़र आते हैं? सब हमारे टीम के हैं जी, सारे हमारे टीम के हैं जी। जी जिया जी, आपसे सवाल मेरा रहेगा, आपको इस गाने में किस तरह से सिलेक्ट किया गया, कैसे कॉल आया था या फिर आपसे किसी तरह से संपर्क किया गया था? एक्चुअली इंस्टाग्राम से हमारी बात हुई थी। मैं इनकी तो फैन थी ऑलरेडी से, और मैंने इनको अपनी प्रोफाइल भेजी थी, तो इन्होंने काफ़ी मेरी छानबीन करने चालू कर दी, और घर वाले से बात कराने के लिए गए हैं, तो हमने इनको बात करा दिया घर में जो भी पेरेंट्स थे सबसे। उसके बाद मैं यहाँ आई और मुझे बहुत खुशी हुई, अच्छे कैरेक्टर दिए इन्होंने। जी जी, हमने देखा आपके गाने में आप थोड़े मॉडर्न ज़माने की लग रही हैं, सिगरेट का थोड़ा कस लगा रही हैं, तो क्या रियल लाइफ में जब आप स्कूल या कॉलेज जाती थी तो वहाँ भी इस प्रकार के नज़ारे आपकी लोगों के साथ, मतलब लड़के या लड़कियों के साथ नज़र आता था, या फिर सिर्फ गाने में ही देखने को मिल गया? जी बिल्कुल नहीं, मैं रियल लाइफ में ऐसी नहीं हूँ, अभी जो दिख रही हूँ मैं वही रियल लाइफ है मेरी। ऐसा नहीं लगा कि यार ये सिगरेट वाला सीन जो मिला है, काश ऐसे ज़िंदगी में भी चलता रहे और आगे भी इससे अच्छे अच्छे सीन मिलते रहे? नहीं देखिए, अच्छे अच्छे सीन मिलते रहे, मैं बहुत आगे तक जाना चाहती हूँ, और ये मेरा कैरेक्टर है, रियल ज़िंदगी नहीं है, तो मुझे कैसे भी सीन हो मुझे करना है, मुझे एक अच्छी एक्ट्रेस बनना है, तो सिगरेट पीना मेरे लिए कोई खास बात नहीं। राज भाई, अगर आपके गानों की बात कर ले तो काफ़ी समय लगाते हैं आप शूटिंग में भी, एडिटिंग में भी, और फिर इससे पहले आपकी जो जिस तरह से टीमें तैयार होती है,
इस गाने को बनाने में कितने दिन लगे थे और कितनी तैयारियां कर रहे थे आप लोग? रिहर्सल, इसके बाद फिर फाइनल शूट आउट हुआ और अब जाके दर्शकों के बीच आया है तो काफ़ी प्यार मिल रहा है, तो कितना सारा वक्त लगा इन सब चीज़ के? हाँ, सब चीज़ मिला के 10 दिन लगा जी। तलवार कैसे बना है, यहाँ क्या किए हैं, वो सब मिला के शूट उट करके हमको एडिट उडिट करके 10 दिन लगा। बिल्कुल बिल्कुल, 10 दिन में इस गाने को तैयार किया गया है दिन रात। और कभी धूप में शूट किए तो कभी काली रात में फुल जंगल में जाके देख सकते हैं, काली जंगल में जाके एकदम पूरा घनघोर जंगल है, हर चीज़ है, हाथी उथी सब चीज़ उस जंगल में रहते, फिर भी हमने रिक्स लेके शूट किया और मुझे लगा कि पब्लिक का प्यार मिलेगा, लेकिन उससे दुगुना प्यार मिल रहा है। जी जी, हमने देखा था आपके सीन में तलवार आपको एक सीने में मार कर रखे, एक साइड में तलवार है, तो उसको किस तरह से आपने दर्शाया था उसमें फिल्मों में? क्योंकि बहुत जगह पे ऐसे सीन होते हैं जहाँ पे उसको दिखाना कानूनन अपराध है, लेकिन आपने जो उसमें किया था वो किस तरह से एक्ट कैसे नजर आए? क्योंकि दर्शकों का अभी भी मन में संशय, मेरे मन में भी है सवाल है कि जो तलवार आपने लगाया था अपने सीने में और वो कैसे थी? सब माइंड का खेला है और जितने भी देख रहे लग रहा होगा रियल, लेकिन हम लोगों ने माइंड से यूज किया, ये चीज़ हमेशा टिक तो सबसे बांट नहीं सकते क्योंकि अचार है नहीं, बस हम चाहते हैं एक ब्लॉग बनाएंगे जिसमें सारा चीज़ दिखाएंगे हम, मतलब उस शूटिंग की पूरी वीडियो आपके पास है, बाद में आप उसे दर्शकों को? हाँ, दर्शकों को दिखाएंगे, अभी गाने देख लीजिए, नहीं तो पहले देख लीजिएगा फिर मज़ा नहीं आएगा। जी जी, एक सवाल मेरा अपने तरफ से, काफ़ी यंग हैं, खूबसूरत हैं, शादी का क्या प्लान है, कब कर रही हैं आप? आई एम सॉरी, क्यों शादी नहीं करना आपको प्लीज़? क्योंकि इस गाने के बाद आपकी काफ़ी पॉपुलरिटी बढ़ने वाली है, आपके फैंस आप सोशल मीडिया पे आपको ढूंढेंगे, इंस्टाग्राम पे ढूंढेंगे, रील्स पे जाएंगे, तो उनकी एक डिमांड रहेगी कि मैम मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, या फिर आपके इनबॉक्स में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, तो उससे कैसे आप निपटोगे, क्या तैयारियाँ कर रहे हो? आई एम सॉरी, कोई जवाब नहीं, सॉरी कोई जवाब नहीं, मतलब अभी काम करने हैं? मुझे सिर्फ काम करना है, बहुत मेहनत करना है, मेरे काम पे मुझे पूरा फोकस करना है। मतलब युवाओं का दिल धड़का के रखना है, अभी कुछ नहीं बताओगे, काम पे फोकस रखना है। राज भाई, मैं आपके पास आना चाहूँगा एक लास्ट आखिरी सवाल, जिस तरह से आपकी टीम ने काम करा है, इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, पब्लिक प्यार भी दे रही है, और आपका रांची से पटना आना और पटना में इन सब चीज़ों को लेकर कितना अच्छा लगा, और कैसे चाहेंगे कि किस तरह से आने वाले गानों की जो तैयारियाँ हैं उसे आप अब कैसे करने वाले हैं? मुझे अच्छा लगा, वहाँ की जो मीडिया है सोई हुई है, बात रियल है, आप भी झारखंड के हैं जी, लेकिन आप यहाँ काम कर रहे हैं, अगर वहाँ की मीडिया अगर चाहती तो इतने सारे कलाकार थे सबको ऊपर उठा सकते, क्योंकि मीडिया से बड़ा कोई होता नहीं, गिराने उठाने का काम मीडिया का रहता है, तो मुझे अच्छा लगा, मुझे जो भी खर्चा उससे कोई दिक्कत नहीं, मैं आया पटना आप लोगों से मिला तो अच्छा लगा, यहाँ के बारे में भी जाना क्या कैसे है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल के, और इस वीडियो को बना के भी मुझे अच्छा लग रहा है, जो आप लोगों ने खुद देख के बोला, खुद सवाल किए, तो मुझे मालूम हुआ कि आप लोग बारीकी ढंग से उस वीडियो को देखें। जी जी, जाते जाते सावन की क्या तैयारी है और कितने गाने लेके आ रहे हैं? सावन का एक सॉन्ग है लिख देव कांवर पे नाम। अच्छा अच्छा जी, ओढ़निया वाला भी अब कांवर पे आ रहा है, कांवर पे आ रहा है। जी जी जी, जाते जाते अपने दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से यही कहना चाहेंगे, बस उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, न्यू खोटा वीडियो सीरीज से रिलीज हुआ है सहाई ना जुदाई, और अभी मनचाहा न्यूज़ आप लोग देख रहे हैं, तो सपोर्ट करें, इनको सपोर्ट करेंगे तो ये हमको सपोर्ट करेंगे, और आप पब्लिक है आप, तो आप ही हर चीज़ कर सकते हैं। जी जी, जाते जाते आप दर्शकों से क्या कहना चाहोगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि सपोर्ट कीजिए कि हम और आगे बढ़ पाएँ, हमारा सपना पूरा हो, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो बिल्कुल। ये मेरा पहला सॉन्ग था, सॉन्ग पहला सॉन्ग वीडियो है, और आगे भी आप लोग सपोर्ट बनाए रहेंगे तो हम कोशिश करेंगे और भी अच्छा काम करेंगे। एक जाते जाते सवाल, आपको मेरे साथ बैठ के इंटरव्यू सेशन का हिस्सा होकर कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा और बहुत गर्व महसूस हो रहा है मुझे, ये सब राज सर की वजह से हो पाया है कि मैं आज आपके साथ बैठी हूँ, प्रेस में बैठी हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मेरा सपना पूरा हो रहा है। थैंक यू सो मच राज भाई और जिया जी अपना बेहतरीन सा पल देने के लिए, इन्हें बहुत सपोर्ट करिए क्योंकि ऐसे दो उभरते हुए कलाकार हैं, राज भाई को तो आपने देखा है, जिया को भी बहुत सपोर्ट करिए, आने वाले समय में भोजपुरी में भी आए, फिल्मों में आए, और एक ग्रैंड एंट्री हो तब हम जाके जब इनसे मिलेंगे तो बहुत कुछ और फिर आपके सामने लेकर आएंगे कि कैसे इन्होंने तैयारी करी और कितनी मेहनत करी। अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें।
नमस्कार।